केंद्र शासित प्रदेश दीव में संभवित तौकते वावाजोड़ा ने लेने दीव प्रशासन एलर्ट। वावाजोड़ा ने पहुंची वळवा प्रशासन द्वारा अनेक तैयारी करवामां आवेल छे। दीव में अलग अलग जोन में शेल्टर होम बनावेला छे, जेनुं निरीक्षण दीव जिला कलेक्टर श्रीमती राये कर्युं अने प्रेस कॉन्फरन्स ना माध्यमथी प्रजा ने सुरक्षा हेतु आप्यो संदेश। दीव में एनडीआरएफ की टीम तैनात अने इंडियन आर्मी की बे टीमों सांज सुधी में आवनार छे। केंद्र शासित प्रदेश दीव में आवनारा संभवित वावाजोड़ू तौकते ने लईने प्रशासन द्वारा अनेक तैयारी करवामां आवी छे अने हाल भारे वरसाद अने पवन ने लईने दीव प्रशासन द्वारा लोकोने सावचेत रहेवा जणाव्युं हतुं। तौकते वावाजोड़ा ने लईने दीव जिला कलेक्टर श्रीमती सलोनी राये प्रेस कॉन्फरन्स बोलावी दीवनी प्रजाने सावचेत रहेवा संदेश आपवामां आव्या। कलेक्टर श्रीमती सलोनी राये मीडिया ना माध्यम थी जणाव्युं के आईएमडी द्वारा जानकारी आपवामां आवी हती। तौकते नामक वावाजोड़ू 180 થી 190 ની પૂર ઝડપે દીવ તરફ આવી રહેલું છે, જેને લઈને દીવને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવી છે। સાથે દીવ મત્સ્ય વિભાગ દ્વારા પણ માછીમારોને દરિયો ખેડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને કાચા તેમજ નીચાણવાળા ઘરમાં રહેનારા લોકોને પણ ઘર ખાલી કરી સુરક્ષિત જગ્યાઓ પર સ્થળાંતર કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે। દીવ પ્રશાસન દ્વારા 6 શેલ્ટર હોમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। પ્રશાસન દ્વારા જેમાં ગઈકાલથી અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી 250 ઘર એટલે કે 1200 જેટલા લોકોને સ્થળાંતર કરાવવામાં આવેલું છે, જ્યાં કોવિડ-19 ના નિયમોને લઈને પણ અલગ શેલ્ટર હોમની સુવિધા કરવામાં આવી છે। દીવ જિલ્લામાં ગોગલા સીએચસી, વણાંક બારા પીએચસી અને દીવ હોસ્પિટલ 24 કલાક માટે કાર્યરત રહેશે। વધુમાં તેમણે દીવની પ્રજાને સૂચન આપ્યા છે કે કોઈ પણ હાલાતમાં ઘરની બહાર ન નીકળે, જ્યારે પણ ઝડપે પવન ફૂંકાશે ત્યારે લાઇટ શટ ડાઉન કરવામાં આવશે, માટે ટોર્ચ, બેટરી, મીણબત્તી તેમજ જરૂરી સાધનોની તૈયારી કરી રાખે અને લોકોને વિનંતી કરી હતી કે મહા વાવાઝોડા અંતર્ગત પ્રશાસનના સૂચનોનું પાલન કરી પ્રશાસનને સહયોગ આપે। દીવના વણાંક બારા અને ગોગલા વગેરે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો માટે પ્રશાસન દ્વારા ખાસ શેલ્ટર હોમની સુવિધા કરવામાં આવી છે। તોકતે વાવાઝોડા માટે એનડીઆરએફ ની બે ટીમ દીવમાં પહોંચી ચૂકી છે અને ઇન્ડિયન આર્મી ની પણ બે ટીમ દીવમાં સાંજ સુધીમાં આવનાર છે। વાવાઝોડાને લઈને દીવ પ્રશાસન અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ખાસ ટીમનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે, જે હાલમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં સેવા આપી રહેલા છે, જેમાં એક નોડલ ઓફિસર અને એક ઇન્સિડેન્ટ કમાન્ડન્ટ કાર્યરત રહેશે, જેઓએ વાયરલેસ આપવામાં આવ્યા છે, જે અલગ અલગ વિસ્તારમાં રહેશે। કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે તો જાણકારી આપશે, સાથે પ્રશાસન દ્વારા એક હેલ્પલાઈન નંબર 100 અથવા 027-75-25-24-44 અને 027-75-25-20-43 પણ રાખવામાં આવેલું છે, જેથી ઇમરજન્સીમાં લોકો મદદ લઈ શકશે। મીનાક્ષી ગઢવી, ZS TV, દીવ। એક્સ્ટ્રીમલી સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ તોતે દીવ મે આજ રાત કે 8 બજે હિટ કરને વાલા હે, 17 તારીખ કી શામ 8 બજે। और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बहुत ही एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड 180 से 190 किलोमीटर पर आवर, जो कि 210 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो आज दोपहर से एक्सपेक्टेड है। ये इस साइक्लोनिक स्टॉर्म में जितने भी थैच्ड हट्स, रूफ्स हैं उनमें डैमेज एक्सपेक्टेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्रशासन ने करीब 250 घरों को इवैक्यूएशन करवाया है, करीब 1200 लोगों को शिफ्ट कराया गया है, 6 शेल्टर होम्स एक्टिवेट किए गए हैं। साइक्लोन के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए भी कंटेनमेंट जोन वाले लोगों के लिए अलग शेल्टर रूम्स बनाए गए हैं और नॉन कंटेनमेंट जोन वालों के लिए अलग शेल्टर रूम्स बनाए गए हैं। फिशरमैन वार्निंग भी दे दी गई है, कोई भी फिशरमैन सी में नहीं रहेगा, किसी भी तरह की फिशिंग एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं अलाउ की जाएगी। एनडीआरएफ की 2 टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और इंडियन आर्मी से भी 2 टीम्स आज शाम को यहाँ पे आने वाली है। ये प्रिपेयरनेस मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं और लोगों से हमारी ये अपील है कि वे अपने घर रहें, किसी भी रीज़न से बाहर ना निकलें अनलेस कोई मेडिकल एमरजेंसी हो।
हमारी तीनों हेल्थ फैसिलिटी सीएचसी, पीएचसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्टिवेटेड रहेंगी 24 आवर। और लोगों को अपने घरों में रहना है और किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। खिड़कियों को बंद रखें, किसी भी जानवर को बांध के ना रखें। जब विंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से तेज की होगी तो यहाँ पे पावर शटडाउन किया जाएगा। तो लोग अपने बैटरी, अपने पावर बैंक्स, अपने फ़ोन को चार्ज रखें, टॉर्चेस और ऐसी अन्य बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों को पहले से चार्ज रखें। किसी भी तरह का पैनिक ना हो बट हमारे प्रिपेयरनेस मेजर्स पूरे हों, यही हमारी कोशिश है। यहाँ पे मिनिमम डैमेज के साथ हम लोग और लोगों के सहयोग के साथ इस कैलामिटी को भी हम लोग ओवरकम कर पाएँ, तो ये हमारा एफर्ट चालू है। कितने लोगों को सुरक्षा ट्रांसफर किया गया है? हमारे 6 शेल्टर होम्स में 250 लोग अभी रह रहे हैं और इवैक्यूएशन की जो भी कोई भी जिनके घर थैश्ड हट्स हैं या कोई टिन शेड की कोई भी मकान है, वो जो कि ऐसी चीज़ें अक्सर प्रोजेक्टाइल बन के लोगों को हिट कर सकती है, उसको भी एंकरिंग किया जा रहा है और उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करके शेल्टर होम्स में ला रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी, क्योंकि कोविड भी चल रहा है तो ऑक्सीजन वगैरह में वो कहीं पर हो तो हॉस्पिटल्स के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है? हॉस्पिटल्स में कोविड माय गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी है, वहाँ पे पावर बैकअप के डबल अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे सिलेंडर्स भी अदर देन सेंट्रल लाइन हमने एक्सेस सिलेंडर्स भी वहाँ पे हर बेड के साथ एक बैकअप सिलेंडर वहाँ पे रखा है ताकि किसी भी तरह का कोई भी पावर फेलियर अगर होता है तो किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं हो। डॉक्टर्स की ड्यूटी भी आज से लेके अंटिल फर्दर ऑर्डर्स हमारा पूरा स्टाफ और सारी डॉक्टर्स की टीम ऑन ड्यूटी रहेगी जब तक ये साइक्लोन दीप को क्रॉस करके सिचुएशन ऑर्गेनाइज नहीं। असर कितनी रहेगी? असर कितनी रहेगी? आज शाम 8 बजे ठीक होगा, उसके बाद कितनी असर रहेगी, क्या अंदाज आएगी? आज शाम को 8 बजे इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है जिसमें 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन हिट करेगा और कई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, घरों में पानी भर सकता है। इसलिए जो भी ऐसे कच्चे घर थे या जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे कहीं पे पानी अगर भरता है तो वो साइक्लोन ख़त्म होने के बाद निकल जाए और किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या किसी भी तरह का एनिमल लॉस ना हो। इसलिए लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाएं या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं वो वहाँ पे इमीडिएटली शिफ्ट। सुरक्षा दल भी कितने तैनात किए हैं और एनडीआरएफ के साथ? एनडीआरएफ की अभी 50 लोगों की 2 यूनिट आई हैं और आर्मी की तरफ से भी करीब 100 से 120 लोगों की 2 यूनिट आई। आज शाम को 8 बजे इसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है जिसमें 150 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये साइक्लोन हिट करेगा और कई लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, घरों में पानी भर सकता है। इसलिए जो भी ऐसे कच्चे घर थे या जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे कहीं पे पानी अगर भरता है तो वो साइक्लोन ख़त्म होने के बाद निकल जाए और किसी भी तरह का ह्यूमन लॉस या किसी भी तरह का एनिमल लॉस ना हो। इसलिए लोगों से अपील है कि वो या तो अपने किसी अगर उनके कोई और पक्के घर हैं जो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है वहाँ शिफ्ट हो जाएं या जो सरकार की तरफ से 6 शेल्टर कैंप शुरू किए गए हैं। अभी